पूरे सीटों पे उम्मीदवार कोई हो चुनाव प्रधानमंत्री लड़ रहे जेल भेजने की तैयारी तो खुद कर रहे हैं उनका पूरा परिवार इस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है कि वो तो तैयारी खुद कर रहे हैं प्रधानमंत्री को तो किसी को तैयारी करने की जरूरत नहीं है देखिए अब 40 का उनचालीस हो जाए अड़तीस हो जाए बस और को और खास फर्क नहीं पड़ेगा जो जो काम कांग्रेसियों ने किया जिसके वो हैं अब उसी का आरोप पे लगा रहे लोकतंत्र के गला घोटने वाले वो हैं हम लोग इमरजेंसी में लड़े हैं अपने जो दो नाम लिए तो किसी का नाम नहीं लेता हूँ ये तो वो लोग हैं जो कि राहुल गांधी के पदयात्रा में भी शामिल हो जाते हैं नमस्कार आप लाइव बिहार देख रहे हैं मैं हूँ मोहन तिवारी देखिए देश में लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है सात चरणों में इस बार चुनाव कराए जा रहे हैं और छह चरणों के समाप्ति के बाद अब बारी सातवें चरण की है और इसके लिए प्रचार प्रसार भी पूरी तरह से थम गया है बात अगर हम बिहार की करें तो यहाँ पर 40 लोकसभा की सीटें हैं 32 सीटों पर पहले ही चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं और अब बारी आठ सीटों की है जहाँ पर एन का ही कब्जा है एक तरफ एन अपने सीटों को बचाए रखने की जदोजहद में है तो वहीं दूसरी तरफ आइए एन गठबंधन एन से सीटें झटकने की कोशिश में है अब प्रचार प्रसार थमने के बाद माहौल बिहार में क्या है इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रहे और पूर्व सांसद आर के सिन्हा जी हैं सबसे पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइव बिहार में बहुत बहुत धन्यवाद आपको नमस्कार कैसे देख रहे हैं इस बार 2024 का ये जो चुनाव है देश में और बिहार में देखिए चुनाव तो मैं उन्नीस से लड़वा रहा हूँ तो हर चुनाव कुछ अलग होता है ये चुनाव तो एकदम एक तरफा है एक तरफा बिल्कुल किसके पक्ष में मोदी के पक्ष में प्रधानमंत्री जी के पक्ष में पूरे सीटों पे उम्मीदवार कोई हो चुनाव प्रधानमंत्री लड़ इसके पीछे कारण क्या है कारण यह है देश का प्रधानमंत्री के प्रति आस्था और विश्वास क्योंकि उनको आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री मिला नहीं जो तन मन और पूरे आस्था के साथ चौबीसों घंटे तीन सौ पैंसठ दिन समर्पित हो देश के लिए न तो हॉलीडे करने जाता हो न तो उसकी कोई ऐसी शौक हो कि महिलाओं के साथ सिगरेट पीते हुए फोटो खिंचवाए वो अगर नववर्ष भी मनाना हो दिवाली भी मनाना हो तो सरहदों पे जाके सिपाहियों के साथ मनाना पसंद करता है जनता देखती है बहुत ध्यान से देखती है ज़्यादातर जो लोग राजनीति में होते हैं वो कई कारणों से गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि सबसे समझदार वही हैं और जनता तो बेवकूफ है है उल्टा अच्छा बिल्कुल उल्टा है ज, जनता जितनी जागरूक सजग सतर्क और समझदार है अच्छे अच्छे राजनेता नहीं तो बावजूद इसके बिहार में वोटिंग परसेंटेज बड़ा डाउन होते जा रहा है लगातार हम ये देख रहे हैं नहीं देखिए वोटिंग परसेंटेज तो इस बार पूरे देश में डाउन हुआ क्योंकि मौसम में जो परिवर्तन आ रहा है वो अपेक्षा नहीं की थी किसी ने अभी मैं आखिरी चरण के चुनाव के बाद लौटा हूँ छब्बीस तारीख को पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में मनेर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ मंच पे था सत्ताईस तारीख को आरा संसदीय क्षेत्र के बड़हरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ था भारी भीड़ थी लेकिन मैं मंच पर बैठा हुआ यह महसूस कर रहा था कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ लेकिन महसूस ये कर रहा हूँ कि कहीं मुझे चक्कर तो नहीं आ जाएगा अच्छा। चौवालीस डिग्री पैंतालीस डिग्री तापमान है चिलचिलाती धूप में हजारों की जनता खड़ी है सुन रही है नेताओं के भाषण चीयर कर रही है तो आप ये समझिए कि तापमान बहुत बड़ा कारण है जो बहुत सुबह वोट देने निकल जाते हैं उनके लिए ठीक है दस बजे के बाद बजे चार, चार तक बहुत मुश्किल है जाके मतदान केंद्र तो क्या केवल यही एक कारण है मतदाताओं के सामने कि तापमान ज्यादा है इस वजह से वोटिंग गिर रही है या और भी कारण है नहीं मुख्य कारण तो ये है मुख्य कारण तो ये है लेकिन बहुत स्थानीय कारण होते हैं कई बार उम्मीदवारों के प्रति उदासीनता भी एक कारण होती है इस बार तो ज़्यादा देखने को, आ, को वो वो हर तरह के कारण होते हैं कि जनता बहुत जागरूक है उससे कोई सामान्य जो जनता की जनभावना है या जनमत है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। विपक्ष कह रहा है कि जो वोट देने नहीं आ रहे हैं वो शहरी क्षेत्र के मतदाता हैं और वो बीजेपी के वोटर हैं हमारे वोटर बूथों तक पहुंच रहे हैं इसको आप कैसे देखते हैं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है और ये भी नहीं है कि शहरी क्षेत्रों के मतदाता वोट देने नहीं जा रहे हैं ये तो बनाने की बात है बात तो कुछ भी गढ़ा जा सकता है बनाया जा सकता है अफवाह फैलाई जा सकती है विपक्ष के ये सारे अफवाहनुमा प्रचार इनका कोई आधार नहीं आधार नहीं है, बिल्कुल नहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं अभी तो बिहार में वही लीड कर रहे हैं विपक्षी गठबंधन को और कह रहे हैं कि एक अकेले युवा नेता के सामने प्रधानमंत्री को भी हार माननी पड़ी इसलिए जेल भेजने की बात कर रहे हैं देखिए ये सब तो फालतू आते हैं जेल भेजने की तैयारी तो खुद कर रहे हैं उनका पूरा परिवार इस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है कि वो तो तैयारी खुद कर रहे हैं प्रधानमंत्री को तो किसी को तैयारी करने की जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री तो ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि, कि किसी को भी किसी भी केंद्रीय एजेंसी को या किसी सरकारी अफसर को भी किसी केंद्रीय मंत्री को भी hmm. काम में नहीं ठोकते hmm. कभी? कभी नहीं हमारा तो अनुभव है उनके साथ काम करने का काफ़ी लंबा मैं जानता हूँ वो इस इन सारी चीज़ों की परवाह भी नहीं करते और ध्यान भी नहीं देते चालीस सीटें बिहार में हैं लोकसभा की पिछली बार उनचालीस एन जीती थी इस बार चालीस में चालीस का नारा है क्या आपको लगता है कि वो चालीस में चालीस का नारा सक्सेसफुल होगा या फिर कहीं कुछ सेंध लगेगी नहीं देखिए अब चालीस का उनचालीस हो जाए अड़तीस हो जाए ये बस और को खास फर्क नहीं पड़ेगा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा पिछली बार राजद का खाता नहीं खुला था इस बार शायद खुल सकता है खुल सकता है शायद खुल सकता है मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने पूछा वैसे मैं जवाब दे रहा हूँ कोई आप ये समझ लीजिए कि एन के परफॉर्मेंस में कहीं पर कोई भी कमजोरी नहीं आठ सीटों पर जहाँ पर वोटिंग होनी है सातवें चरण में जिसमें पटना का इलाका है शाहबाद का पूरा इलाका है नालंदा का इलाका है इसको आप कैसे देख रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है काराकाट में मुश्किल हो गई है पवन सिंह अलग वोट काट रहे हैं कहा जा रहा है जहानाबाद में भूमिहार नाराज हो गए हैं पाटलिपुत्र में भी वैसा ही कुछ समीकरण बन जाएगा क्या सचमुच एन को इन सीटों पर चुनौती झेलनी पड़ेगी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये तो जो यहाँ पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यूट्यूब यूनिवर्सिटी जो चल रही है तो उसमें सब लोग अपने अपने मत दे रहे हैं विचार व्यक्त कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है कोई कहीं ऐसा नहीं मैं तो घूम के आ रहा हूँ पाटलिपुत्र और शाह शाहबाद बक्सर सब मैं सीटों तो का आकलन करके आया हूँ लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है लेकिन अब चालीस सीटें आप लड़ रहे एक आध दो सीटें आप हार सकते हैं उसमें कोई वो ऐसा कुछ नहीं अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा जमावड़ा इकट्ठा किया जा रहा है उस नाम पे जाति के नाम पे धर्म के नाम पे आरक्षण के नाम पे मतलब जो जो काम कांग्रेसियों ने किया जिसके वो जिम्मेवार हैं अब उसी का आरोप हो निये पे लगा रहे लोकतंत्र के गला घोटने वाले वो हैं हम लोग इमरजेंसी में लड़े हैं जेपी मूवमेंट में हम लोग थे लालू जी भी हमारे साथ थे नीतीश भी साथ थे ये लोग साथ थे लेकिन अब उनकी संगति कुछ और हो गई है तो संगति को संगति का तो प्रभाव पड़ता ही है वो तो प्रभाव पड़ गया है ये प्रभाव पड़ता है पड़ा है कि नहीं पड़ा है वो तो चुनाव के रिजल्ट के बाद 4 तारीख को पता चल जाएगा खुद ही तो आप बिहार में एनडीए को कितनी सीटें जीतते देख रहे हैं मैं समझ रहा हूँ कि बिहार में एनडीए का जो परफॉर्मेंस पहले था लगभग वही है लगभग वही रहेगा और रहे। देश में देश में तो बहुत बढ़िया रहेगा चार पार करना रहा है हाँ हाँ पार करेगा पार कर जाएगा हाँ पार करेगा प्रशांत किशोर योगेंद्र यादव सब कोई कह रहा है कि वो बहुत वो तो नामुमकिन है तो ये सब आप आपने जो दो नाम ली है तो किसी का नाम नहीं लेता हूँ ये तो वो लोग हैं जो कि राहुल गांधी के पदयात्रा में भी शामिल हो जाते हैं तो देश के लगभग सभी परिवारों वाले मुख्यमंत्रियों के चुनाव के स्ट्रेटेजिस्ट भी बन जाते हैं तो ये इनकी बातों में जो निर्भीकता या निष्पक्षता होनी चाहिए वो है नहीं, है नहीं। तो एक बार फिर से आप एनडीए की सरकार देश में बनते देख हंड्रेड तो वन परसेंट वो तो हंड्रेड वन परसेंट आप लिखवा लीजिए कोई उसमें दिक्कत नहीं आखिरी एक सवाल रहेगा सवाल क्या रहेगा वोटिंग को लेकर आपसे राय रहेगी कि जो दर्शक देख रहे हैं जो बातें सुन रहे हैं जो राजनीति को समझ रहे हैं क्योंकि वोटिंग कितना जरूरी है लोकतंत्र में जिस प्रकार से प्रतिशत गिर रहे हैं कि वोट देने जरूर जाए देखिए जनतंत्र में तो वोट एकमात्र आपका ऐसा अधिकार है जिससे आपकी सत्ता को पलट सकते हैं अपने ढंग से अपने मर्जी के उम्मीदवार को चुन सकते हैं तो निश्चित रूप से सबको वोट देना चाहिए और एकदम सुबह सुबह जाके देना चाहिए कोई और पान करने की जरूरत नहीं पानी का बोतल एक जरूर रखिए क्योंकि गर्मी है, है लेकिन उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं अब लौट के आइए फिर आप अपना आप आप जलपान करिए टेलीविजन देखिए जो करना है करिए सबसे पहला काम है मतदान निश्चित रूप से करना चाहिए सभी को करना चाहिए आप अपने मन से करें मतदान उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है सभी करें तो सही सभी करें ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी कर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए तो देखिए जिस तरीके से देश में और बिहार में इस बार का लोकसभा चुनाव रहा जो प्रचार प्रसार का तरीका रहा जिस प्रकार से रैलियां हुई उसने बहुत कुछ बिहार में बदला है या नहीं बदला है समीकरण कितने साधे हैं कितने नहीं साध पाए हैं किसने किसके वोट बैंक में सेंधमारी की है नहीं कर पाए हैं अब उसका आखिरी वक्त आ चुका है क्योंकि बात अब सातवें चरण की है एक जून को वोटिंग होने जा रही है और उसके बाद चार जून को रिजल्ट आएगा बिहार में एनडीए बीते चुनाव में उनचालीस सीटें जीती थी क्या उतने ही सीटों पर काबिज रहेगी या 40 में 40 का जो नारा था वो कामयाबी हासिल हो पाएगी या फिर इस बार उसे कुछ खोना भी पड़ सकता है राजद के तरफ से तेजस्वी यादव ने कमान संभाली पूरे दमखम के साथ मैदान में डटे रहे अब देखना है कि जनता उनसे कितना प्रभावित हुई है आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें